गुड इवनिंग फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं आपके साथ एक बहुत ही इम्पोर्टेंट अपडेट जो कि इनकम टैक्स से रिलेटेड फॉर द पर्पस ऑफ फाइनेंशियल ईयर 18-19 असेसमेंट ईयर 19-20 के लिए निकल के आया है 18 जुलाई को, उसके बारे में डिस्कस करने वाला हूँ। जुड़े रहिएगा इस वीडियो के एंड तक ताकि आपको हर एक इंफॉर्मेशन अच्छी तरीके से समझ में आ सके। इस डिस्कशन को स्टार्ट करने से पहले जो मोस्ट अवेटेड और मोस्ट डिमांडेड वेबिनार का सेशन था GSTR 9 और 9C फॉर फाइनेंशियल ईयर 18-19 जो कि 30 सितंबर 2020 तक फाइल करना है, जिसके अंदर 17-18 की डेटा को किस तरीके से आप हैंडल कर सकते हैं उसके बारे में डिस्कशन होने वाला है। ये कब होने वाला है? ये होने वाला है नेक्स्ट संडे यानी कि 26 जुलाई 2020 संडे। रजिस्ट्रेशन के लिए आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं और अपनी सीट्स बुक कर सकते हैं। अब देखिए, जो इन्होंने प्रेस रिलीज निकाली थी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने, वो क्या कहते हैं। सीबीडीटी टू स्टार्ट ई कैंपेन ऑन वॉलेंट्री कंप्लायंस ऑफ इनकम टैक्स फॉर फाइनेंशियल ईयर 18-19 फ्रॉम 20th जुलाई 2020। यानी कि 20 जुलाई से कंप्लायंस के लिए एक कैंपेन चलाया जाएगा इनकम टैक्स डिपार्टमेंट CBDT की तरफ से। क्या-क्या चीजें इसमें देखनी है? The Income Tax Department is set to start an e-campaign on voluntary compliance of income tax for the convenience of taxpayers from 20th July। यानी कि जिनका भी financial year 18-19 से related income tax की return अभी तक file नहीं हुई है, मतलब assessment year 19-20 जिसकी last extended due date 31st July 2020 है, उसके लिए 11 दिन का ये स्पेशल कैंपेन चलाया जाएगा। द 11 डे कैंपेन एंडिंग ऑन 31st जुलाई फोकसेस ऑन द असेसीज और द टैक्स पेयर्स हु आर आइदर नॉन फाइलर्स और हैव डिस्क्रिपेंसी और डेफिशिएंसी इन देयर रिटर्न्स फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2018-19। ये एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी मिलने वाली है वैसे टैक्स पेयर्स, वैसे असेसीज को जिन्होंने अपनी या तो इनकम टैक्स रिटर्न फॉर द फाइनेंशियल ईयर 18-19 फाइल नहीं करा है, या फिर जिन्होंने फाइल करा है उनकी रिटर्न्स के अंदर डिस्क्रिपेंसीज या डेफिशिएंसी पाई गई हैं। बहुत ही ये अच्छा स्टेप लिया गया। द ऑब्जेक्टिव ऑफ द ई कैंपेन इज टू फैसिलिटेट द टैक्स पेयर्स टू वैलिडेट ऑनलाइन देयर टैक्स फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस इंफॉर्मेशन अवेलेबल विद द इनकम टैक्स डिपार्टमेंट। इस ई कैंपेन का क्या पर्पस है, क्या इसका ऑब्जेक्टिव है? इस कैंपेन के थ्रू वैसे टैक्स पेयर्स जिनका डेटा मैच नहीं होगा या जिनकी रिटर्न फाइल नहीं हुई होगी, वो अपना डेटा वैलिडेट करवा सकते हैं अपने इनकम टैक्स रिटर्न के साथ। और जो डेटा आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की पोर्टल पे दिखेगा, पोर्टल पे आपको बताया भी जाएगा कि आपके ये ट्रांजैक्शंस इनकम टैक्स रिटर्न के अंदर मैच नहीं हो रहे हैं, आपको उसे वैलिडेट करना होगा। यहां पर आगे इन्होंने बोला है स्पेशली फॉर द असेसीज फॉर फाइनेंशियल ईयर 18-19 एंड प्रमोट वॉलेंट्री कंप्लायंस सो दैट दे डू नॉट गेट इनटू द नोटिस एंड स्क्रूटनी प्रोसेस एटसेट्रा। फाइनेंशियल ईयर 18-19 के लिए वॉलेंट्री कंप्लायंस करने के लिए स्टेप लिया जा रहा है ताकि नोटिसेस और स्क्रूटनी का जो जंजाल है उससे आप बच जाएं। दिस ई कैंपेन इज बीइंग रन फॉर द बेनिफिट ऑफ द टैक्स पेयर्स। इससे टैक्स पेयर्स को काफी ज्यादा बेनिफिट होने वाला है। अंडर दिस ई कैंपेन द इनकम टैक्स डिपार्टमेंट विल सेंड ईमेल्स और एसएमएस टू द आइडेंटिफाइड टैक्स पेयर्स टू वेरीफाई देयर फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस related information received by income tax department from various sources such as statement of financial transactions TDS TCS foreign remittances etc। yani ki agar kisi taxpayer ne apni return file kari financial year 18-19 se, income tax department वैसे taxpayers को email या sms के through जो identified taxpayers हैं, identification कैसे होगा? SFT statement file होती है, TDS की TCS की रिटर्नें फाइल होती हैं। कई बार क्या होता है, जब आप अपनी ITR को फाइल करते हैं तो उसके अंदर अपनी इनकम जो है वो आप दिखाते हैं, लेकिन SFT जो स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस है जिसमें हाई वैल्यू ट्रांजैक्शंस उस ऑर्गेनाइजेशन ने रिपोर्ट करी है, वो आपकी इनकम से मैच नहीं होती।
अगर डिपार्टमेंट को ऐसा कुछ केस मिलता है तो वैसे लोगों को ईमेल और एसएमएस के जरिए बताया जाएगा कि एसएफटी में आपका ये ट्रांजैक्शंस आ रहा है जो कि इनकम डिक्लेयर्ड बाय यू से मैच नहीं हो रहा है, उससे कॉरेस्पॉन्डेंस नहीं हो पा रहा है, या फिर किसी इनकम पे आपका टीडीएस कटा हुआ है, वो इनकम आपने आईटीआर में दिखाई ही नहीं। द डिपार्टमेंट हैज ऑल्सो कलेक्टेड इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू जीएसटी exports and imports and transaction in securities, derivatives, commodities, mutual funds under information triangulation setup and data analytics. Most important चीज आपको ये समझनी है कि आपने अगर जीएसटी के अंदर कुछ टर्नओवर दिखा रखा है, इनकम टैक्स के अंदर कुछ और टर्नओवर दिखा रखा है, तो ये डेटा भी गवर्नमेंट ने कलेक्ट किया है, उस इंफॉर्मेशन के बेसिस पे भी आपको इस कैंपेन के अंदर रेक्टिफाई करने का चांस जो है वो दिया जाएगा। वॉलेंट्री कंप्लायंस ये 11 दिन जो है वो गोल्डन डेज होने वाले हैं, सुनहरा मौका आपको मिलने वाला है, इसको आप बिल्कुल भी मत चूकिएगा। इट इज स्टेटेड दैट डेटा एनालिसिस हैड आइडेंटिफाइड सर्टेन टैक्स पेयर्स विद हाई वैल्यू ट्रांजैक्शंस हु हैव नॉट फाइल्ड इनकम टैक्स रिटर्न्स फॉर असेसमेंट ईयर 1920। यानी कि ऐसे भी टैक्स पेयर्स मिले हैं जिन्होंने हाई वैल्यू ट्रांजैक्शंस करा है, अच्छा खासा अमाउंट का ट्रांजैक्शंस करा है, लेकिन उन्होंने अभी तक अपनी आईटीआर को फाइल नहीं करा। इन एडिशन टू द नॉन फाइलर्स अनदर सेट ऑफ फाइलर्स हैव आल्सो बीन आइडेंटिफाइड वेयर इन द हाई वैल्यू ट्रांजैक्शंस डू नॉट अपीयर टू बी इन लाइन विद देयर इनकम टैक्स रिटर्न। कुछ तो लोग ऐसे मिले जिन्होंने अपनी आईटीआर फाइल ही नहीं करी लेकिन उन्होंने हाई वैल्यू ट्रांजैक्शंस करा, और कुछ लोग ऐसे भी मिले हैं जिन्होंने आईटीआर तो फाइल करी है लेकिन उनकी इनकम उस हाई वैल्यू ट्रांजैक्शंस के अंदर जो एक्सपेंडिचर हुआ उससे इन लाइन नहीं है, उससे मैच नहीं हो रही, तो वो भी आपको इस कंप्लायंस के अंदर दूर करना है। अंडर द ई कैंपेन द टैक्स पेयर विल बी एबल टू एक्सेस द डिटेल्स ऑफ देयर हाई वैल्यू ट्रांजैक्शंस रिलेटेड इंफॉर्मेशन ऑन द डेजिग्नेटेड पोर्टल। जो हमारा इनकम टैक्स पोर्टल है उसके अंदर आपने क्या हाई वैल्यू ट्रांजैक्शंस करा है वो आपको दिखाया जाएगा। दे विल आल्सो बी एबल टू सबमिट ऑनलाइन रिस्पांस बाय सिलेक्टिंग अमॉन्ग एनी ऑफ दीज ऑप्शंस। यहां पर क्या क्या रिस्पॉन्सेज आपके पास अवेलेबल होंगे, क्या क्या ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल होंगे। पहला है इंफॉर्मेशन इज करेक्ट, इन्फॉर्मेशन आपको दिखा दिया जाएगा, उसमें यह बताया जाएगा कि ये इन्फॉर्मेशन आप सही मानते हैं या नहीं। इन्फॉर्मेशन इज नॉट फुल्ली करेक्ट, अगर आपको लगता है जो इन्फॉर्मेशन दिया गया वो सही तो है लेकिन पूरी तरीके से सही नहीं है। तीसरा ऑप्शन है इन्फॉर्मेशन रिलेटेड टू अदर पर्सन और अदर ईयर, जो इन्फॉर्मेशन है वो किसी और पर्सन का है या किसी और साल का है, जिस साल में बताया गया है पोर्टल पे वो उस साल या उस पर्सन का नहीं है। इन्फॉर्मेशन इज डुप्लीकेट इंक्लूडेड इन अदर डिस्प्लेड इन्फॉर्मेशन, जो इन्फॉर्मेशन है वो ऑलरेडी किसी और इन्फॉर्मेशन के अंदर डिस्प्ले हो चुका है, ये डुप्लीकेट एरर है, ये डुप्लीकेट डेटा है। और अगला इन्फॉर्मेशन इज डिनाइड, या फिर आप उसको पूरी तरीके से खारिज भी कर सकते हैं कि ये हमारा है ही नहीं, इसे हम डिनायल कर रहे हैं। देयर वुड बी नो नीड टू विजिट एनी इनकम टैक्स ऑफिस एज रिस्पॉन्स हैज बीन सबमिटेड As the responses has to be submitted online. यहाँ पर इनकम टैक्स ऑफिस विजिट करने की जरूरत नहीं है क्योंकि जो भी प्रोसेस आपको करना है, जो भी रिस्पॉन्स आपको करना है वो ऑनलाइन करना है। सर ये जो आप लेटर पढ़ रहे हो, ये जो प्रेस रिलीज आप पढ़ रहे हो, ये कहाँ से पढ़ रहे हो? सर इसके लिए आप हमारे वेबसाइट gstplatform.com पे जाएंगे तो आपको ये वाला प्रेस रिलीज वहां पे देखने को मिलेगा। आप वहां पर जाकर के इस प्रेस रिलीज को डिटेल्ड में पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं, अपने रेफरेंस के लिए यूज कर सकते हैं। gstplatform.com हमारा वेबसाइट है, उस पे जाकर के आप इसका देख सकते हैं डिटेल्स। इट मे बी नोटेड दैट द लास्ट डेट फॉर फाइलिंग एज वेल एज रिवाइजिंग द इनकम टैक्स रिटर्न फॉर असेसमेंट ईयर 1920 इज 31 जुलाई 2020। टैक्स पेयर्स आर रिक्वेस्टेड टू अवेल दिस अपॉर्चुनिटी टू पार्टिसिपेट इन द ई कैंपेन फॉर देयर ओन ईज एंड बेनिफिट। 31 जुलाई तक ये ई कैंपेन चलेगा, कल से स्टार्ट हो जाएगा, इसका बेनिफिट आप ले सकते हैं। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट अपडेट ये इनकम टैक्स रिटर्न्स के अंदर निकल के आया है 18 जुलाई। अगर आप चाहते हैं कि आपको इसी तरीके के अपडेट्स मिलते रहें तो आपको क्या करना है,
आपको सिंपली जो हमारा YouTube चैनल है जीएसटी प्लेटफॉर्म, इसमें आपको नीचे एक दिख रहा होगा रेड कलर का सब्सक्राइब बटन, उसे प्रेस कर लेना है। साथ में बेल आइकन है उसे प्रेस करना है। सर ये तो हमें वीडियोस के फॉर्म में मिलेगा, सर हमें पढ़ना है, हमें सीखना है, हमें आर्टिकल्स चाहिए, उसके लिए क्या करें? आप उसके लिए हमारी जो मैगजीन है जो आपको मंथली दी जाती है उसका सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। सर कैसे मिलेगा सब्सक्रिप्शन, क्या डिटेल्स है? डिटेल्स के लिए नंबर आपको स्क्रीन पे फ्लैश किए जा रहे हैं, आप इस नंबर पे कॉल करके मैगजीन सब्सक्रिप्शन के लिए डिटेल्स भी ले सकते हैं। चलिए इस वीडियो को यही एंड करते हैं। आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा, ताकि मैक्सिमम लोगों तक ये इंफॉर्मेशन पहुंच जाए कि 20 जुलाई 2020 से क्या कैंपेन होने वाला है और उसका बेनिफिट आप किस तरीके से ले सकते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।